धनबाद के टाउन हॉल में युद्ध प्रशासनिक बैठक कोयले की अवैध तस्करी को रोकने के लिए बुलाई गई है, लेकिन इस बैठक में जो खुलासे हुए वो बेहद सनसनीखेज हैं। दरअसल सभी बड़े अधिकारी कोयले की तस्करी को रोकने पर माथापच्ची कर रहे थे। उसी वक्त खनन विभाग ने ये कहते हुए सभी को चौंका दिया कि कोयले के अवैध कारोबार को कोई नहीं बल्कि कोर्ट सेक्टर के साथ काम कर रही निजी आउटसोर्सिंग कंपनियां अंजाम दे रही हैं। खनन अधिकारी ने खुलासा करते हुए कहा कि BCCL और ECL की लापरवाही का ही नतीजा है, जिसका फायदा उठाकर आउटसोर्सिंग कंपनियां तस्करों के साथ मिलकर बड़े ही शातिराना तरीके से कोयले के काले कारोबार को बेधड़क अंजाम दे रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन से चोरी की 3 पॉइंट या 4 पॉइंट फिक्स्ड है सर, कि धनसार से कोयला ट्रांसपोर्ट होता है तो नई दिल्ली बस्ती है, वहाँ पे गैंग है पूरा, वो चढ़ के कोयला चोरी करता है। इसके बाद बचता है तो फिर ये काली बस्ती है, काली बस्ती से चोरी होता है। इसके बाद साइडिंग जाते जाते सर एक हाजरा बस्ती है, वो हाजरा बस्ती तीन जगह से सर कोयला चोरी होता है। हम लोग कोयले को जो है डोजर चला के क्रश करके चूर करके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिससे कि लंप ना रहे, वो चोरी ना हो। और इसके बाद भी सर खोद के कुछ करके वो सब चोरी करते ही हैं और ज़बरदस्ती करते हैं। वो सर इतने स्ट्रेंथफुल है वो, कई बार हमारे PSO को भी घेर लिए। मेरा PSO भगाता है जाके उनको, ट्रक में चढ़ के चोरी करते हैं तो 10-20 की 50 की संख्या में इकट्ठा होके और उसको भी घेर लिए। तो सर यदि आदमियों के अगेंस्ट कार्रवाई होगी कुछ लोगों के अगेंस्ट तो कुछ डर भय होगा सर। खनन विभाग के इस खुलासे के बाद BCCL और ECL के जिम्मेवार अधिकारी अब भरी महफिल में बेनकाब हो चुके थे, लिहाजा कोल अधिकारी खोखली दलीलों से अपना दामन धोते दिखे। तो वहीं जिला अधिकारी ने कोयले के इस काले कारोबार को रोकने का सख्त आदेश दे डाला। सर मीटिंग में आप खुद थे, एक बड़ा मुद्दा आपके सामने आया था कि कुछ प्रशासनिक स्तर के कुछ लोग थे जो ये शिकायत कर रहे थे कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो कोयला उठाती है और जो डंपिंग साइट पर लेकर जाते हैं उसका कोई मापदंड नहीं है कि कितना उठाना और कितना ड्रॉप करना है, तो यहीं पर रास्ते में जो है हेर फेर होता है। तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसकी संलिप्तता बहुत बड़े पैमाने पर मानी जा रही है, तो क्या इसको कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए इसका तो एक ही उपाय है, जो आउटसोर्सिंग ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जो है या आउटसोर्सिंग कंपनी जिसके साथ ट्रांसपोर्ट संलग्न है, तो अगर बोथ वे इसका जो है अगर हम लोग पेमेंट का प्रावधान कर दें कि जहाँ लोड हो रहा है कोयला वहाँ भी पेमेंट हो और जहाँ अनलोड हो रहा है वहाँ भी पेमेंट हो, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको जो हम लोग देख सकते हैं, जो प्रबंधन के कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम लोग प्रशासन से उसका जो है हेल्प ले सकते हैं। तो ये उपाय है, और चूंकि हर गाड़ी को एस्कॉर्ट करवाना ये संभव नहीं है तो सिस्टम से ही सुधार हो सकता है। इसमें BCCL CISF प्रशासन पुलिस के सभी पदाधिकारियों के साथ में भारत सरकार के राज्य सरकार के खनन विभागों के कोयला खनिज परिवहन स्टॉकिंग ट्रेड इनके संबंध में जो नियम है उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित हो, कोयला चोरी की केसेस नहीं हों, जिन जगहों पर इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं उनमें प्रभावी कार्यवाही हो। BCCL के पूरे खनिज को लेकर था या सिर्फ कोयला को लेकर? पूरे खनिज को लेकर, लेकिन विशेष रूप से चूंकि कोयला एक प्राइम मिनरल है यहाँ पर वॉल्यूम वाइज भी और अमाउंट वाइज भी, तो कोयला माइनर मिनरल जो है चाहे बालू हो चाहे पत्थर हो, तो सभी के संबंध में हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश सभी के साथ इंडिविजुअल रिव्यू करके उनके यहाँ के कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, उन पर किस जगहों पर किस तरह के एक्शंस लिए जाने की ज़रूरत है, लास्ट 3 सालों में जो FIR वगैरह दर्ज हुई हैं उनकी समीक्षा जिला स्तर पर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ में और जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उनके साथ में हम लोग कर रहे हैं कि प्रभावी जिन मामलों में FIR हुआ है उनमें आगे की कार्यवाही कैसे सुनिश्चित की जा सके, और जनरल दिशा निर्देश आज की खनन टास्क फोर्स की बैठक में सभी को दिए गए। धनबाद में जारी कोयले की तस्करी को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार छापेमारी की मुहिम को जारी रखा। DC और SP के सख्त रुख का ही नतीजा है कि कोयला तस्करों में हड़कंप मचा है। पुलिस प्रशासन की कोशिश इस काले कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। पंजाब केसरी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।